वकीलों को बड़ी राहत देते हुए उच्च न्यायालय ने 23 नवंबर से जिला न्यायालयों में नियमित सुनवाई शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रयोगात्मक रूप से शुरू की गई यह व्यवस्था 5 दिसंबर तक रहेगी। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालयों में एक दिन छोड़कर एक दिन सामान्य रूप से पैरवी हेतु सुनवाई की जाना है। वह निम्नानुसार है: रिमांड एवं जमानत संबंधी प्रकरण, सिविल एंड क्रिमिनल अपील एवं निगरानी, जिन प्रकरणों में अभियुक्त जेल में है, आपराधिक प्रकरण जो 5 वर्ष से अधिक पुराने हैं, मोटर दुर्घटना, दावा संबंधी वह प्रकरण जिनमें दावा राशि जमा करा दी गई हो, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आने वाले प्रकरण, बाल न्यायालय में बाल अपराध से संबंधित प्रकरण, दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रकरण जिन प्रकरणों में राजीनामा प्रस्तुत कर दिया गया हो, सिविल एवं आपराधिक प्रकृति के वह प्रकरण जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय शुरू होगी, नियमित सुनवाइयां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि प्रकरण का निराकरण करने का आदेश प्रदान किया गया हो। ऐसे अन्य प्रकार के समस्त प्रकरण अति आवश्यक प्रकृति के हों और माननीय न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है कि इसकी सुनवाई अति आवश्यक रूप से की जानी चाहिए, न्यायालय द्वारा एक जारी आदेश में कहा है कि यह संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर होगा कि जिले के प्रत्येक न्यायालय में उपरोक्त वर्णित प्रकार के प्रकरण सामान्य रूप से सुनवाई करें।